नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर जाधव और आपका फिर से एक बार हमारे हिस्टोरिक कॉइन शॉप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले एक दो महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 786 जो नंबरिंग की जो नोट आती है हमारी करेंसी, उसको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। तो काफ़ी उस पर लाइक्स आए, कमेंट्स बहुत आए और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए। तो देखो, जैसा कि वक्त मिलता है वैसे हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अब 786 की नोट मैंने पिछले वीडियो में जरूर बताया था आपने, मुझे लगता है ध्यान में दिया होगा कि क्विकर और OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम ये इजी तरह से बेच सकते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब फ्रॉड होने का चांस नहीं रहता। अगर हमको किसी को बेचना है तो हम डायरेक्ट उसको जो बायर है उससे कॉन्टैक्ट करके आप उनसे वो बातचीत करके बेच सकते हैं। अब आप सोचोगे वो लेंगे क्यों, अलग अलग सवाल आपके दिमाग में जरूर आएंगे। अब देखो, हर आदमी को कोई ना कोई नंबर लकी होता है। उन लकी नंबर में 786 और 313 और बहुत 007 ऐसे बहुत अलग से जो नंबरिंग आते हैं वो लकी माने जाते हैं। उनमें से 786 ये रेयर माना जाता है और काफ़ी लोग अपने जो वॉलेट होता है उसमें रखते हैं। अब 786 की नोट हमारे हाथ में जरूर आती है, लेकिन हमें वक्त कहाँ है उतना कि हमारे हाथ में कोई नोट आई और हमें देखे इसकी नंबरिंग का आया चला गया। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अच्छी नोट आए तो उसमें लिखने के लिए हमारे पास वक्त है। अरे क्यों बेकार में करेंसी बर्बाद करते हो, उसकी लाइफ कम होगी। तो ऐसा काम मत किया कीजिए। आप फॉरेन की अगर नोट देखोगे ना तो उस पर कभी भी लिखा नहीं होता इसका नंबर, इधर आना है, उधर आना है। व्हाट्सएप पे कई मैसेज वायरल होते हैं कि कुछ भी लिखा होता है वो जाने दो, लेकिन ऐसा मत किया। अब देखो, अगर हमारे पास 786 की, 5 रुपये की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 500 की कोई भी नोट हो, आप उसको दोनों साइड से फोटो निकाल सकते हैं और फेसबुक, क्विकर, OLX और ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो वहाँ पे मतलब कमीशन नहीं जाता, हम इसी तरह से किसी भी बायर से कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। अब ये रियल बायर है या नहीं है कैसे पहचाने? अब देखो, अगर मैं बेचना चाहता हूँ और किसी थर्ड पार्टी मतलब जो बायर है उसका मुझे मैसेज आया कि भाई मुझे तुमने जो लिस्टिंग की वो नोट मुझे खरीदनी। अब देखो, खरीदने वाला वो है तो पैसा कौन देगा? वो देगा। अगर कोई आदमी अपने पास कुछ एडवांस और मतलब कुछ टोकन मांगता है, अरे हम तो बेचने वाले हैं, हमको थोड़ी पैसा लगेगा, तो बहुत फ्रॉड ऐसे होते हैं कि हम आउट ऑफ नेशन रहते हैं और अलग अलग देश के नाम बताते हैं, अमेरिका का नाम बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नाम बताते हैं। काफ़ी इंडियंस भी लोग होते हैं ऐसा जो फ्रॉड करते हैं और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी ऐसा लोग करते हैं। अब किसी को एडवांस देना नहीं, अगर आप बेच रहे हैं तो आपको अकाउंट में वो पैसा डाल देगा और आप इंडिया पोस्ट से या किसी भी कोई कुरियर पार्टनर से आप उसको बेच सकते हैं। सीधी बात होती है, डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, वो खरीद लेगा। अगर वो सच्चा खरीददार है तो आपको पैसा पहले डाल देगा। तो इसी तरह से ये जो बेचने वाले और खरीदने वाले, अलग समय अलग एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा मैं। अभी इस वीडियो में मुझे यही बताने का था, जो 3 प्लेटफॉर्म आते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX और क्विकर, इसमें आराम से आप बेच सकते हैं। और एक सवाल उठता है कि कीमत कैसे डिपेंड करे? अब देखो, वो तो अपने ऊपर है। अगर किसी को 786 786 डबल नंबरिंग आती है तो रेयर मानी जाएगी, मैंने काफ़ी बार ये बताया। अब देखो, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा आप बेचेंगे कितना। 10 की नोट आप 1,000 में बेच सकते हैं, 10,000 में भी बेच सकते हैं, वो खरीदने वाला डिपेंड करेगा। तो कीमत थोड़ी मतलब 10 की नोट है तो 1,000 रुपये लिख सकते हैं, 1 लाख मत लिखिए, कोई लेगा नहीं। आपको बोलोगे 10,000 में लो, आप नहीं लो सकते। इसीलिए थोड़ा सा सही दिमाग इस्तेमाल करके लिस्टिंग किया गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी जैसे वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड होता है, ये वीडियो देख के काफ़ी लोग बच सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल हिस्टोरिक कॉइन्स। जय हिंद, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।
गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।